बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। खंड विकास अधिकारी पर ग्राम प्रधानों ने कमीशन खोरी के लगाए आरोप। विकास खंड निघासन के खंड विकास अधिकारी आलोक वर्मा पर ग्राम प्रधानों ने कमीशन मांगने के आरोप लगाए हैं। प्रधानों का कहना है कि खंड विकास अधिकारी आलोक वर्मा हर काम में कमीशन मांगते हैं, कमीशन न देने पर जांच करवाने की धमकी देते हैं और नाजायज दबाव बनाते हैं। जिस बात को लेकर प्रधानों में आक्रोश है, सभी प्रधान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। खंड विकास अधिकारी आलोक वर्मा ने 3 ग्राम पंचायतों के प्रधानों पर FIR दर्ज करा दिया है। आलोक वर्मा 2 ब्लॉकों का नकहा और निघासन का चार्ज संभालते हैं। आलोक वर्मा को पेपर की सुर्खियों में रहने का चस्का पड़ा है। कुछ दिन पहले नकहा ब्लॉक के प्रधानों ने कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। आलोक वर्मा की जाँच उच्च अधिकारी क्यों नहीं करते, आगे देखना है कि क्या कार्यवाही होती है। जिन लाभार्थियों के द्वारा बयान दिया गया है, उन लाभार्थियों से मैंने एक पैसे की मांग नहीं की है, ना मैंने कोई पैसा लिया है। और मेरी छवि धूमिल करने के लिए राजनीतिक भाव से मैं इस क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति हूँ। मुझे लोग यहाँ सम्मान देते हैं और हमारा जो क्षेत्रीय विधायक है उससे भी इस विषय में स्टेटमेंट लें कि उनके निधि से जो काम कराए गए हैं उनके क्या पोजीशन है। जहाँ जहाँ काम सड़कें बनी हैं वो सड़कें आज गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। ग्राम पंचायत में जो कार्य होते हैं उसमें हम लोगों के द्वारा 100% पैसा लगाया जाता है और जब कमीशन हम नहीं दे पाते हैं तो मेरी जाँच की जाती है। और जिन पंचायतों में कमीशन खोरी होती है वहाँ कोई जाँच नहीं होती है। यही मेरी विडम्बना है, यही मेरा कष्ट है और यही मेरी पीड़ा है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया। प्रधान जी का कहना है कि हमारे पंचायत सचिव जो हैं उनको पैसे का बहुत लालच है, जो कि पैसे की हमसे डिमांड करते थे कमीशन की, इसलिए हम उनको जब कमीशन नहीं दे सके हैं इसलिए हमारे ऊपर मुकदमा लिखाया गया है KPP NEET के लिए। मासुकल लखीमपुर खीरी से उन्होंने 25 से 30 लाभार्थियों से संपर्क किया। यदि मैंने पैसा लिया होता तो 25 और 30 जिन लोगों से संपर्क किया सबसे लेता। मैं केवल 2 ही लोगों से पैसा लिया और मुझे राजनीति, तो उन्होंने कहा नहीं वहाँ नहीं हम आ पाएंगे। तो हमने कहा तो हम कैसे आए, उन्होंने कहा जैसे आपको आना आप आए, आप उस तरह से आइएगा। आप हैंड भी था हमारा फोन, इसीलिए प्रधान लोगों में नाराजगी आई, कहा ये कोई इनकी भाषा शैली ठीक नहीं है और हमारे प्रधान के खिलाफ में एक की गलती थी इनके लड़के की और 4 के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसको लेकर हम लोगों ने फिर धरने के लिए ताला डाल जड़ दिया दोनों गेटों पर। हम लोग धरने बैठ गए, जिसको ये है खंड विकास अधिकारी की दबंगई, जो आप देख सकते हैं, प्रधान की जुबानी सुन सकते हैं कि खंड विकास अधिकारी से कम 40 या 45 प्रधान मिलने गए लेकिन खंड विकास अधिकारी मिलना उचित नहीं समझे, यही है इनकी दबंगई। आइए जानते हैं, और भी हमारे साथ में प्रधान हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या मामला है जो आपके मुकदमा लिख गया है? हमारे पास मामला तो ये, हमारा सेक्रेटरी जो है वो लिखा है। क्या कारण रहा, किस लिए लिखा है? कारण कुछ नहीं है, हमारी उनकी बनती नहीं थी, हम जो साहब से पहले वाले से कहें हमेशा हमारी बनती नहीं इससे, तो इसको जो है हटा दिया गया लेकिन नहीं हटाया गया, तो हमारी उनकी बनती नहीं इसलिए उन्होंने हमारे पर आरोप लगवा दिया है। कमीशन वगैरह की कोई मांग होती है? कोई कमीशन नहीं है। नहीं कोई मनरेगा के तहत कुछ 14% की बात होती है, कमीशन दिया जाता नहीं, नहीं हम काम कराए ही नहीं, कराए नहीं, कमीशन की कोई बात नहीं है, कमीशन नहीं, हम काम ही नहीं कराए। इनका कहना है हमारे सचिव से निपटती नहीं थी, इस कारण हमारे पर मुकदमा लिखाया गया है। और भी हमारे साथ में प्रधान, जिनसे भी जानेंगे। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र वर्मा जी, पूर्व प्रधान ने बोलिए जी, वर्तमान प्रधान का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ जी। हमारे ग्राम पंचायत में जो सचिव हमारा आशीष कुमार वर्मा है जी, मृतक आश्रित पे है जी, उसे पैसे ज़्यादा भूमिका है जी। उसने हमारे से कई बार कहा कि आवास में जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें पैसे लीजिए और पैसे नीचे से ऊपर देने पड़ते हैं। मैंने कहा ना तो मैं पैसा लूँगा और ना दे पाऊँगा। उसने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाला और उन्होंने मेरी छवि खराब करने के लिए